हरे कृष्ण डियर डिवोटीज, आज हम श्रीमद् भगवद गीता से प्रथम अध्याय में से 13 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। उससे पहले हमारा इन्वोकेशन दैट इज हरे कृष्ण महामंत्र हम जप कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तेरा नंबर श्लोक। तत शंख च वनवान कगो मुखा सहसेवाभयंता सशब्दस्तु मूल भवता। यहाँ पे तत् का मतलब तत्पश्चात, शंखा मतलब शंख, च भी वैर्य बड़े बड़े ढोल नगारे, च तथा वनाब अनक ढोल तथा मृदंग, गोमुखा क्षीम, सहसा अचानक एव निश्चय ही, अभयंत एक साथ बजाए गए, स वो शब्द समवेत स्वर, तुमुल कोलाहल पूर्ण, अभवत हो गया। तत्पश्चात शंख नगारे बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वो समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तो 13 नंबर श्लोक यहाँ तक ही था। आगे हम पढ़ेंगे 14 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा। आज एक बात है, मतलब कुछ हुआ है सुबह, तो आप लोगों से बताना चाहता हूँ। तो आज सुबह जब मैं मतलब मॉर्निंग वॉक कर रहा था, तो मैंने देखा एक पक्षी मरी हुई मतलब रोड के साइड पे पड़ा है। तो कुछ लोग आसपास से गुजर रहे थे, बट वो सिर्फ मतलब उसको इग्नोर कर रहे थे। बट जब मैंने देखा तो मैं इग्नोर नहीं कर पाया कि ठीक है, पड़ी हुई है तो क्या करें। मेरे मन से आया नहीं कुछ करते हैं। तो मैंने एक बड़ी सी पेड़ थी सामने, तो मैंने थोड़ा मिट्टी खोदा, तो आसपास में कुछ था नहीं, तो मैंने अपने हाथों से मिट्टी खोदा। फिर उस मरी हुई पक्षी को मैंने वहाँ पे रख के थोड़ा ऊपर से माटी दे के थोड़ा वो कर दिया। तो यही है कि जीवन में अगर कोई नहीं रहे, मतलब उसका प्राण अगर नहीं रहे, अगर शरीर रह जाए, तो हमें उसको मतलब उतनी ही मतलब श्रद्धा पूर्वक उसका मतलब वो करना चाहिए। हालांकि वो एक पक्षी हो या फिर कोई इंसान, कुछ भी हो, हर किसी में प्राण होती है, मतलब उसका आत्मा होती है। अगर वो आत्मा वो शरीर छोड़ के चला गया है, तो हमें वो करना चाहिए, नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग बट ऑल्सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यही था। हरे कृष्णा।